जी, मेरा नाम अबू बकर है। आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th में चैप्टर 2 का आगाज़ करते हैं। 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है जी, वो कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है एक ए एक्स स्क्वेयर होती है, एक बी एक्स और एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है। उसी तरह ही पहली वैल्यू को आप ए कंसिडर कर लें, वहाँ पहली वैल्यू में 2 है, एक्स स्क्वेयर और एक्स को शामिल नहीं किया जाएगा, उसके अलावा जो वैल्यू होगी वो लिखा जाएगा। बी आपके पास 3 है और सी जो है वो आपके पास -1 है। अब डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेट इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac। बी की वैल्यू आपके पास 3 का स्क्वेयर -4, ए का वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है और सी जो है वो आपके पास -1 है। 3 का स्क्वेयर 9, -+ 4 2 8। अब 8 और 9 को आप ऐड कर दें तो आपके पास 17 आ जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेट का आंसर बना। इसी तरह अगला सवाल है, सेम एज इट इज़ जो है वो पहली वैल्यू को आप ए बना दें, यहाँ पर ए 4 है, बी जो है वो आपके पास -7 है और सी जो है वो आपके पास -2 है। तो इसी तरह डिस्क्रिमिनेट का लिखें, डिस्क्रिमिनेट इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac। तो बी की वैल्यू -7 का स्क्वेयर -4, ए जो है वो आपके पास 4 है और सी जो है वो आपके पास -2 है। 7 का स्क्वेयर चूँकि पावर 2 पर डिवाइड हो रही है इसलिए माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 49। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 8 और 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 को और 49 को जो है वो आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 11 और 81 आ जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेट का आपका आंसर है। इसी तरह अगला सवाल है, कहते हैं जी फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, रूट की जो है नेचर फाइंड करें और जो रिजल्ट निकले उस इक्वेशन का उसको जो है वो वेरीफाई करें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर -23x + 120 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी आपके पास सवाल गिवन हो तो सबसे पहले आप उसमें डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाएंगे। जब डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाकर अगर परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो आप उसे वेरीफाई करें। ठीक है, अब बात यह है कि आपने फार्मूला लगाया, फर्स्ट वैल्यू जो है वो ए बन गई, सेकंड वैल्यू बी और थर्ड वैल्यू कांस्टेंट सी। डिस्क्रिमिनेट के फार्मूले में बी की जगह बी पुट कर दिया, ए की जगह पर ए और सी की जगह पर सी। पावर 2 पर डिवाइड हो रही है, 23 का स्केयर जो है वो 529 आता है, 420 को मल्टीप्लाई करें तो 480 आता है, 529 में से 480 को माइनस करें तो आपके पास 49 आता है। 49 चूँकि 7 का परफेक्ट स्केयर है, सो दैट्स वाई इस रूट की जो नेचर है ये रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इस्तेमाल होगा। सवाल वही रहेगा, एक्स स्केयर -23x और +120 विल बी इक्वल टू 0। अब आप इसमें ए बी और सी की वैल्यू जो है वो सेपरेट आउट करके फार्मूले में पुट कर देंगे, -b +√b² -4ac/2a। बी ए और सी की जगह पर वैल्यूज पुट करने के बाद जैसे ही आप सॉर्ट आउट करेंगे सेम उसी तरह जैसे आपने इधर किया, 23 का स्केयर 120 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 529 में से वो 480 को जो है वो जब आप माइनस करेंगे तो 49 आएगा। 49 का अंडर रूट जो है वो आपके पास 7 होता है। 23 के साथ एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और नीचे वाली 2 वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे 2.1 के बात करने जा रहे हैं। इसमें कहा हुआ जी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक्सप्रेशन आपके पास है के एक्स स्क्वायर +2 × k(+1x+4)=0 के। अब ए जो है वो आपने बनाना है k स्क्वायर, बी जो है वो आपके पास 2k+1 है और सी जो है वो आपके पास 4 है। अब आपने डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाया b² - 4ac। अब बी जो है वो आपके पास 2k+1 का होल स्केयर आ जाएगा और ए जो है वो आपके पास k स्क्वायर है और सी जो है वो आपके पास 4 है। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16k² माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और k+1 का होल स्केयर खुला k² + 1 + 2k और ये 4 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k² + 4 और 8k। अब देखें 4k² में से 16k² को माइनस करेंगे तो माइनस की रकम बड़ी है, -12k² आएगा, 8k रिमेन वैसे का वैसे ही, 4 भी वैसे का वैसे ही। जब आप पूरी स्टेटमेंट में से -4 कॉमन लेंगे तो आपके पास वैल्यू ये माइनस अंदर मौजूद सबकी रकमों को चेंज कर देगा अलामतों को, तो अंदर 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4, सारी अलामतें चेंज होगी। -4 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाकर 0 से डिवाइड होगा तो आपके पास स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी, 3k² - 2k - 1 = 0 के।
अब आप 3 1 3 पहली और आखिरी रकम को देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 × 1 विल बी इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो आपके पास 2 आए, यही फिगर बनेगा। माइनस 3 के रखेंगे और प्लस के रखेंगे, 3 में से 1 गए तो 2 के भी आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 के भी आएगा। पहली दो रकमों में से 3 के स्केयर और 3 के में से कॉमन 3 के आएगा, अंदर बचेगा के माइनस 1 और इनमें से कोई कॉमन नहीं है, प्लस 1 रखेगा और आगे के माइनस 1 वैसे का वैसे ही। अब आपके पास जो दो वैल्यूज आई 3k+1 और k-1, इन दोनों को 0 को इक्वल कर दे, -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, k की एक कीमत k आपके पास 1 आ गई। अब अगली कीमत जो है वो 3k+1 है, 1 उधर जाकर माइनस का होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k की आपके पास दो कीमतें आ गई, 1 और -1/3। अगले क्वेश्चन में आ जाए, अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाली रकम जो बिलोंग करती है ए को, एक्स वाली रकम जो है वो बिलोंग करती है बी को, और कांस्टेंट सिंपल होता है वो सी को बिलोंग करता है। अब इसको ए बी सी बना दे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेट के फार्मूले में ऐसे पुट कर दे, बी की जगह 3k आएगा और ए की जगह जो है वो 2k-1 और सी की जगह 3 आएगा। 3k का स्केयर जो होता है वो 9k स्केयर होता है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 12 होगा, 12 को 2k-1 से दोनों से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 9k स्केयर के साथ एज इट इज़ उतारेंगे, 12 को 2k और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k 24k और +12 आएगा। पहली और आखिरी रकम जो है आपके पास, इनमें से फैक्टर बनाने से पहले कॉमन आता है, कॉमन 3 आता है, 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 3 3 9, 3 8 24 और 3 4 12, ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल के उधर सिर्फ जाके 0 से डिवाइड होगा और 3 ख़त्म हो जाएगा और आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी 3k² - 8k + 4 इज इक्वल टू 0 के। पहली और आखिरी रकम को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 3 12 आता है। अब आपने 12 के फैक्टर बनाने, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आए, तो आपके पास फैक्टर बनेंगे 6 2 12। तो जब आप फैक्टर बना लेंगे तो उसके बाद आप 3k² और 6k में से कॉमन लेंगे तो आपके पास 3k आएगा, अंदर बचेगा k-2 और इधर से 2k और 4 में से कॉमन -2 है, ये -2 इस +2 को माइनस कर देगा तो आपके पास k-2 में से जो सिमिलर वैल्यू उनमें से एक लिख दी जाएगी और 3k और -2 में से एक वैल्यू 3k-2 को इकट्ठा करके लिख दीजिएगा। अब दोनों जो वैल्यूज आई हैं उनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा और 3k-2 -2 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस और ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। दैट्स ऑल।